अंबिका बाइक मॉडिफिकेशन गैरेज में मैं अपनी कावासाकी लेकर आ चुका हूँ। गाइस बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत सारे लोगों को बोले जा रहे थे कमेंट में कि कावासाकी का साइलेंसर, जी हाँ साइलेंसर चेंज करवाओ चेंज करवाओ चेंज करवाओ। सो फाइनली बहुत सोचने के बाद ऐसे मैंने डिसाइड किया कि चलिए 2022 के स्टार्टिंग में साइलेंसर अपनी कावासाकी का चेंज करवा ही देते। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अंबिका बाइक मॉडिफिकेशन गैरेज में, जो है अपने दीपक भाई साहब का। कैसे हो दीपक भाई? बढ़िया, काम एकदम चल रहा है। हाँ। कितनी बाइक अभी मॉडिफिकेशन करने में आई है? अभी फिलहाल 3 पड़ी है। ये कौन सी है? ये डिस्कवर है। ये वाली एंटाइजर यामाहा एंटाइजर, और वो पीछे है वो कौन सी है? बॉक्सर बजाज। और यहाँ पे एक स्कूटर भी है जो मॉडिफिकेशन होने के लिए आया है, बट स्कूटर का ये बजाज का है ना? हाँ, बजाज सुपर। इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहे ना जल्दी से, तो दिक्कत है मॉडिफिकेशन करने में, दिक्कत है। बट जैसे जैसे करके दीपक भाई ये काम निपटाएंगे। सो इस तरह का यहाँ पे ये गैरेज में काम होता है, बहुत सारी बाइक इन्होंने मॉडिफाई की हुई है और मुझे ट्रस्ट है इनके ऊपर कि भाई अच्छे से मॉडिफाई करके देते हैं। तो साइलेंसर ये वाला एग्जॉस्ट ये वाला अपनी बाइक में अभी इंस्टॉल होगा, देखते कैसा फायरिंग आता है क्या नहीं आता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब सुपर बाइक वाला वैसे वाला हूँ वाला ऐसे आवाज़ निकालेगा। हाँ। तो आपको बता दूँ ऐसे वाला आवाज़ अपनी बाइक में नहीं आएगा, बिकॉज अपनी है 2 सिलेंडर बाइक, समझ रहे हो। हूँ वाला सुपर बाइक वाला जो आवाज़ आता है ना 4 सिलेंडर बाइक में आता है, अपनी वाली में थोड़ा आवाज़ अलग आएगा, बट हाँ आवाज़ तो आएगा, है ना दीपक भाई? आएगा, मस्त आएगा ना यार। मैं 2022 को लेकर ना बहुत सारी बातें सोची है, वो धीमे धीमे अब अप्लाई कर रहा हूँ, बाइक को लेकर हो या फिर मेरे खुद को लेकर हो। तो सोचा कि चलो बाइक का काम आज करवा ही देता हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था यार कि साइलेंसर चेंज करवाना है, बट ऐसे वैसे अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि भाई एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा ऐसा वैसा ये वो सब, बट हाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एवरेज भी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, है ना? हाँ, 1-2% एवरेज हाँ बढ़ जाएगी, वेट कम हो जाएगा। जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता है ना साइलेंसर, वो बहुत हैवी आता है ना। तो ये वाला जो साइलेंसर है ये देख लो, एक ही हाथ से मैं एकदम लाइट वेट है, एक ही हाथ से उठा सकता हूँ। तो समझ सकते हो कि कितनी लाइट वेट हो जाने वाली अपनी बाइक साइलेंसर चेंज करने के बाद। सो अभी बज रहे 11 और इसे फिक्स करने में 1-2-3 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज लगता है अपने को छोटा सा काम है ना दीपक भाई, बट बहुत मेहनत मांग लेता है छोटा काम, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे निकल आता है ना, उसे सुलझाने में भाई वक्त लग जाता है। फाइनली अपनी बाइक गैरेज के अंदर आ चुकी है, अब काम होगा स्टार्ट, मजा आने वाला है भाई साहब। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि साइलेंसर यानी कि एग्जॉस्ट अपनी बाइक का चेंज करवाओ, आवाज़ जो स्टॉक साइलेंसर की है ना वो बहुत कम है, तो अपने को थोड़ी सी आवाज़ तो चाहिए। तो बस आज से अभी से कुछ देर के बाद आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देख लो गाइस, ये है अपनी कावासाकी का ओरिजिनल एकदम स्टॉक एग्जॉस्ट। दीपक भाई कितना केजी का लग रहा है आपको? 5-7 किलो का तो होगा ही। 5-7 किलो का? हाँ। है ना, हैवी है, बहुत हैवी लग रहा है, ऐसे देखने से ही भयंकर हैवी लग रहा है। तो सोचो इतना हैवी साइलेंसर भाई साहब निकल जाएगा तो अपनी बाइक का वेट कितना कम हो जाने वाला है, है ना। चलो फाइनली ये एग्जॉस्ट निकाल दिया है, अब ये वाला आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट अपनी कावासाकी में लगेगा। अब इसे फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाने वाला है। और गाइस एक बात का ध्यान रखें कि आप अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हो ना अपनी बाइक में, तो डीबी किलर होना बहुत ज़रूरी है ना दीपक भाई। डीबी किलर ना होना तो इंजन में सीधा मार पड़ता है, तो डीबी किलर होना बहुत ज़रूरी है। और
डीवी किलर आप लगाए रखना चाहो तो लगा कर रख सकते हो, अगर इसे निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, बट मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि डीवी किलर लगा के ही रखो, है ना। इससे क्या होगा, एवरेज बनी रहेगी, जैसे वैसे एवरेज बनी रहेगी, इंजन भी ठीक ठाक रहेगा, और दूसरी बात पिकअप अच्छी मिलेगी, है ना। ये है अपनी कावासाकी का स्टॉक एग्जॉस्ट और ये है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, देख लो कितना छोटा एंड कॉम्पैक्ट है ना, कितना फर्क पड़ता है, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट आधा हो जाने वाला है, आधे से भी कम। अपने कावासाकी के स्टॉक एग्जॉस्ट को दो हिस्सों में बांट दिया है, ये देखो, ये डब्बा अलग कर दिया और ये जो पाइप है ये अलग कर दी, इसका अभी कोई काम नहीं है, ये पाइप ओरिजिनल रहेगी, ये पाइप के साथ ये एग्जॉस्ट यहाँ पे इस तरह से फिक्स किया जाएगा, अभी जुगाड़ लगा के। मैंने कहा था ना काम छोटा सा लगता है बट जब करने बैठो तो बड़ा हो जाता है, तो अभी वैसा ही हुआ है। अभी फिलहाल मैं गैरेज में अकेला हूँ, दीपक भाई को सिटी में जाना पड़ा, बिकॉज देख लो ये हॉल छोटा है एग्जॉस्ट का और ये एग्जॉस्ट पाइप का हॉल बड़ा है। अब इसे इसके अंदर इस तरह से फिट करना है और फिर वेल्डिंग करना है, ठीक है, वेल्डिंग या जो भी करना है। तो अभी इसके और इसके बीच की एक कैप आएगी, वो कैप सिटी में दीपक भाई ने कॉल लगा के पूछा एग्जॉस्ट वाले की शॉप में अवेलेबल है या नहीं है, तो एग्जॉस्ट वाले ने कहा कि हाँ अवेलेबल है, आप लेने आ जाओ। तो दीपक भाई अभी ये दोनों के बीच की कैप लेने गए और कैप आ जाएगी, फिर ये दोनों ऐसे इस तरह से फिक्स हो जाएंगे। तो दीपक भाई कैप लेकर आ चुके हैं, देख लीजिए ये वाली कैप हमें चाहिए थी, इस तरह से फिक्स होगी और यहाँ पे ये साइलेंसर इस तरह से लगेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व। यस। तो गाइज यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट फिट किया है बट प्रॉपर तरीके से अभी फिक्स करना बाकी है। फिक्स करने से पहले एक बार दीपक भाई क्या करना है आवाज सुन लेते हैं। हाँ। स्टार्ट कीजिए। आ रही है। चलिए फिर कावासाकी का एग्जॉस्ट लग चुका है, अब गैरेज से बाहर निकल के रोड पे एक चक्कर लगाते और सुनते साउंड नए एग्जॉस्ट का। दीपक भाई साहब जिन्होंने ये एग्जॉस्ट फिट किया ना वो चक्कर लगाने जा रहे। दीपक भाई जाओ ऐसे रेस करना थोड़ी। मज़ा आ गया गाइस, सच कह रहा हूँ, मुझे जितनी आवाज़ चाहिए थी ना उतनी ये एग्जॉस्ट आवाज़ कर रहा है, ना ज़्यादा चाहिए थी ना बहुत कम, इतनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है कि पुलिस का कोई टेंशन नहीं रहने वाला मुझे, बिकॉज़ ये आवाज़ एकदम लाउड भी नहीं है और एकदम स्लो भी नहीं है। तो गाइस देख लो एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद इस तरह का कुछ लुक आ रहा है नीचे से। बाकी दीपक भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया? ऐसे दीपक भाई को लग रहा है कि पिकअप बढ़ गई हो, है ना? हाँ, बढ़ गया है पिकअप, स्पीड एकदम मजा आ रही है, स्पीड में जा रही है फिर भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है ना, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए था, वाइब्रेशन नहीं है और ऐसे साउंड भी ज्यादा लाउड नहीं है और बहुत कम भी नहीं है ना,
तो पुलिस का कोई चक्कर होने वाला नहीं है, पुलिस का कोई चक्कर नहीं होगा, मुझे ऐसा पता चल गया है। बिकॉज आपने भी सुना कि साउंड दूर जाती है ना तो ज़्यादा साउंड नहीं आता है, ऐसे रेस करने पे साउंड करती है, है ना। नॉर्मल में तो, बाकी नॉर्मल में तो भाई पता भी नहीं चलेगा, एग्जॉस्ट चेंज हुआ है ये पता नहीं चलेगा। बाकी मज़ा आ गया है।